अगस्त में हत्या के आरोप में जेल में बंद नसीर से पुलिस एवं कानून से बचने के लिए बांग्लादेश भाग जाना चाहता था। बंगाल के रंगियापदा अंचल में गैर कानूनी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर क्रॉस करने के दौरान बीएसएफ के जवानों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ठाणे सेंट्रल जेल में बंद नसीर शेख 2 दिसंबर को जमानत पर छूटा था। उसके बाद ही विदेश भाग जाने की योजना बनाया। बीएसएफ की तत्परता से उसके मंसूबे पर पानी फिर गया। सीमा पार करने के लिए दलालों को उसने 10,000 रुपया दिया था। दलाल को पहचानता है? दलाल को पहचानता हूँ। नाम नहीं मालूम। नाम मालूम नहीं, नहीं। मोबाइल नंबर है? हल्का मास्क पहना था, ब्लू कलर का मास्क था, हल्का हल्का चेहरा दिखा उसका, मास्क था उसका। तो बोला तेरे को बॉर्डर क्रॉस करवाएगा। हाँ। तो इधर इस गांव में भी कोई बंदा मिलना था तुझे? यहाँ पे मिलने वाला था। उसका नाम नहीं जानता? उसका नाम नहीं मालूम। तो बोला तू वहाँ पे ऐसे ऐसे जगह में पहुँच जा, वहाँ पे आके तुझे हाथ पकड़ के लेके चले जाऊंगा। मैं उसको ही आके ढूंढ रहा था पहला, तो किधर दिखता नहीं हो। फिर सर ने आवाज़ दी तो सर के पास गया। सर को ऐसा ऐसा बोला मैंने, ऐसे ऐसे रास्ते से आया हूँ मैं खेती होके बस। तो तू मुंबई का रहने वाला है?